हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गौतम ठाकुर व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं अभी पेड़ के नीचे बैठा हूँ। तो यह जापानी फल का पेड़, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है और यहाँ पे गर्मी भी नहीं लग रही है। दो तीन दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है और यहाँ पे नींद आ रही है पेड़ के नीचे बैठ के, और बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। यह है जापानी फल, यहाँ पे लगे हैं बहुत सारे, अभी तो छोटे छोटे हैं, पत्तों के बीच ढक गए हैं तो दिखाई नहीं दे रहे। तो ये अक्टूबर महीने में तैयार हो जाते हैं और ये खाने के लिए बहुत ज्यादा टेस्टी और मीठे होते हैं। जब ये पक्के तैयार हो जाएंगे तो आपको मैं इनको फिर से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने बीन उगाए थे, पता नहीं यहाँ पे कहाँ से राजमा के कुछ बीज आ गए और यहाँ पे दो तीन पौधे राजमा के उग गए। जो राजमा होती है उसकी बेले बहुत लंबी लंबी होती है, फिर वो अगर फैल जाए तो हमारे बीन को भी ख़राब कर देगी। इसलिए हमने यहाँ पे एक लक्कड़ लगाया है, जो राजमा की बेले हैं वो इस लक्कड़ में ऊपर जाएगी और हमारे बीन भी बच जाएंगे। अभी मैंने लक्कड़ तो लगा दिया है, मैं नीचे से लक्कड़ को अच्छे से फिट कर रहा हूँ ताकि जब इसमें हमारी राजमा की बेले जाए ये लक्कड़ गिरे ना। तो अभी मैंने लक्कड़ को अच्छे से खड़ा कर दिया है, अब मैं उसमें राजमा की बेलों को लगा रहा हूँ ताकि जो राजमा की बेलें हैं वो लक्कड़ में ही जाएं, इधर उधर ना फैले। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पे बीन बोए थे तो उसमें अब बीन थोड़े थोड़े लग गए हैं। तो देखते हैं आज खाने में क्या बनाए। तो आज खाने में बनाएगा इस सिगड़ू शाग, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो आज व्लॉग भी मैं यहीं पेड़ के नीचे बैठ के एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।